नमस्ते डॉक्टर मिश्रा, आपका हमारे साथ समय देने के लिए एवं इस गंभीर विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा, कृपया ये बताएं कि भगवद गीता का क्या सार है और यह किस प्रकार से मनुष्य को एक सन्मार्ग दिखा सकती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज के लिए। कहीं ना कहीं आप भगवद गीता को एक धर्म ग्रंथ के रूप में लेते हैं और सभी लोगों की धारणा है कि वो श्रद्धा का ग्रंथ है, लेकिन वो श्रद्धा का ग्रंथ नहीं। उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर भगवद गीता के विषय में विचार करने की आवश्यकता है। भगवद गीता संपूर्ण मानवता के चिंतन का और मनोविज्ञान का ग्रंथ है। जब हम भगवद गीता के बारे में बात करते हैं तो भगवद गीता वस्तुतः मानवता का जो व्यक्तित्व है, मानवता का जो स्वभाव है, उसका ग्रंथ है। इसलिए मैं भगवद गीता को एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ कहता हूँ। और इस आधार पर भगवान श्री कृष्ण विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक सिद्ध हो जाते हैं। तो इस आधार पर पहले तो हमें भगवद गीता को समझने की आवश्यकता है कि आखिर है क्या ऐसा भगवद गीता में जो विश्व का हर एक देश उसका अनुवाद करके बैठा है। विश्व के जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वे सभी उसकी स्तुति करते हैं, और जितना ऐश्वर्य भगवद गीता ने प्राप्त किया है उतना कोई अन्य ग्रंथ नहीं कर पाए। तो प्रश्न आपका जो है कि भगवद गीता का सार क्या है, तो उसके पहले थोड़ा सा हमें भगवद गीता का एक जो स्वरूप है, भगवद गीता का जो उद्देश्य है या भगवद गीता जिस आधार पर लिखी जा रही है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और इस हेतु से थोड़ा सा विस्तार भी मैं चाहूंगा अगर आप चाहें तो। आपने एक बड़ा ही रुचिकर पॉइंट रखा है कि भगवद गीता एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। यदि आप इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डाल सके कि देखने से तो समझ में आता है कि उसमें काफ़ी गहरी मनोवैज्ञानिक फिलॉसफी दर्शन के बारे में बातचीत किया गया है, परंतु आपके विचार से किस प्रकार से उसको अपन एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में देख सकते हैं? तो किस प्रकार से भगवद गीता मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है इस संदर्भ में समझ। 150 वर्ष पूर्व एक फिलॉसफी पैदा होती है जिसे आप कहते हैं मनोविश्लेषण, जिसे पैदा करते हैं सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य की चेतना को तीन स्तरों पर रखा है, एक है अचेतन, दूसरा अवचेतन और तीसरा चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वो जिस प्रकार से मनुष्य की चेतना को अभिव्यक्त करते हैं और जो लिबिडो जीवन का आधार बताते हैं सिगमंड फ्रायड, और वो इतना तीव्रता से मनुष्य की स्वभाव को बतलाता है कि लगभग लगभग इस समय विश्व के हर एक विश्वविद्यालय में मनोविश्लेषणवाद पढ़ाया जाने लगा है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर असत्य अधूरा हो तो वो समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है वहां। और ये एक आज बात निकल के सामने आ रही है कि लिबिडो को जीवन का आधार बताने वाले सिगमंड फ्रायड एक अधूरा सत्य लेकर के आए। इसी आधार पर अब जब हम भगवद गीता को देखते हैं तो वहां किस तरीके से वो मनोवैज्ञानिक ग्रंथ सिद्ध होता है, इस पर एक दृष्टि रखनी चाहिए हमें। कैसे? हर एक व्यक्ति अपने जीवन का एक युद्ध कर रहा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में महाभारत है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम महाभारत का, क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत का ये ग्रंथ एक भीष्म पर्व का है, एक ग्रंथ है, शास्त्र श्लोक है भगवद गीता। तो कैसे कौरवों की संख्या है 100, पांडवों की संख्या है 5, एक है कृष्ण, इंद्रियां कितनी है हमारी 5, एक है मन और इच्छाएं हैं अनंत। तो वो जो अनंत इच्छाएं हैं अर्थात जो कौरव है वो हर व्यक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, और वो 5 इंद्रियां हैं वो उन अनंत इच्छाओं को प्राप्त करना चाहती है, और वहां एक जो मन है वो कृष्ण का काम कर रहा है, उसको नियंत्रण करने का काम कर रहा है। अगर आप उसको और भी ऊपर लेकर के जाते हैं तो भगवत गीता के ही संदर्भ में हम देखें तो वो कहते हैं कि इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। व्यक्ति का जो जीवन है वो 4 स्तरों पर चलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में।
मैं इन चार स्तरों पर आऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि जब हम मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भगवद गीता को कहते हैं तो उसके पीछे क्या मूल सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, तो वो ये कि एक योद्धा जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा है, उस समय जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है जिसे आप अर्जुन कहते हैं, और वो हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन जो है, जिस प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, वो मानवता की समस्याएं हैं, वो मानव मात्र की समस्याएं हैं। तो एक योद्धा जो इतना बड़ा प्रश्न करने जा रहा है, और सारी की सारी वो कथाएं हमें पता हैं, और जब युद्ध की स्थिति में आते हैं और वो योद्धा कहता है कि वेपथुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते, कृष्ण से कहते हैं कि हाथ पैर कप रहे हैं, गांडीव छूटा जा रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा, भाग रहा हूं। कितनी विचित्र बात, इतना बड़ा योद्धा जब परिस्थिति सामने आती है तो एक मनोरोगी के रूप में सामने आता है, और निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हम लोग गुनगुनाते हैं। तो इतना मनोरोग से ग्रसित है, इतना दुर्बल है वो मन से, तब वहां पर एक मनोवैज्ञानिक खड़े होते हैं और वो उतने बड़े योद्धा को अपशब्द कहते हैं, जिसे आज के हम भाषा में कहें तो वो एक दूसरे शब्दों से प्रयोग करते हैं, और उनसे कहते हैं अर्जुन से कि क्लैव्यम मास मगम पार्थो, अर्जुन इस नपुंसकता को छोड़ो, और इतने बड़े योद्धा को जब इस तरीके से उसको प्रहार किया जाएगा कि उसे नपुंसक कहा जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरा तंत्र, उसका पूरा न्यूरो सिस्टम बदल गया, और वहां से उसको खींच करके लाते हैं, और वो जो पहला जो योग है वो विषाद का योग है, और अंतिम जो योग है वो मुक्ति का योग है। तो विषाद से मुक्ति की यात्रा फिर वहां से प्रारंभ होती है। तो एक व्यक्ति जो वेपथुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, अपने लक्ष्य के प्रति च्युत है, अपने लक्ष्य से दूर भाग रहा है, ऐसे व्यक्ति को, इतने दुर्बल मन को ठीक करके वही व्यक्ति फिर अंत में कह रहा है कि करिष्ये वचनंतवो, अब मैं तैयार हूं और अब मैं युद्ध करूंगा। तो इतने दुर्बल मन को इतना स्ट्रॉन्ग मन बनाने का काम किसी थेरेपी ने तो किया है, किसी स्वाभाविक रूप से पुरुष की उसकी प्रक्रिया है, उस आधार पर वो तैयार होते हैं और अंत में कहते हैं कि करिष्ये वचनंतवो, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो उसके अंदर सारी की सारी प्रोसेस है। तो ऐसे, और आज स्वाभाविक रूप से जब हम देखते हैं तो मन की दुर्बलता व्यक्ति के अंदर बहुत हमें गहराई से देखने को मिलती है, और हर एक व्यक्ति जब छोटे से छोटा काम भी अगर करना चाहे या बड़े से बड़े काम भी अगर करना चाहे, तो दुर्बल मन कभी भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। तो वो जो पूरी प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया में जिस भूमिका, जो विचार अपनी ऊर्जा देते हैं, भगवत गीता और कृष्ण का जो संवाद है उस पर हम आगे चर्चा करते चले जाएंगे, उस आधार पर वो अर्जुन तैयार होते हैं और एक मनोरोगी, एक मनोयोगी बनता है। ये बड़ा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और अंततः बसवा वो स्थिति हमारे सामने आती है। इस रूप में मैं उसे एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में देखता हूँ। डॉक्टर मिश्रा, आपने जीवन के चार स्तरों की बात करी, कृपया उनके ऊपर थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। सारी की सारी जो मानवता है, जब मैं मानवता कहता हूँ तो उसमें सिर्फ बहुत संकुचित भाव नहीं लेना है। वे 7 अरब लोग आ जाते हैं जो इस समय पृथ्वी पर हैं, वे सारे के सारे लोग आ जाते हैं, और हम 7 अरब का परिवार है इस समय अगर हम देखें तो पृथ्वी पर। तो उस क्योंकि जब विराट जब अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो संकुचित नहीं कर सकता, तो ये सारी मानवता के संदर्भ में बात कहते हैं। तो जीवन के कैसे 4 स्तर हैं, तो सारे जो मनुष्य जाति है वो इन 4 स्तरों पर ही अपना जीवन जीती है भगवद गीता के अनुसार। कैसे, कौन से वो 4 स्तर हैं, तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता कि इंद्रियाणि पराण्याभू इंद्रियेभ्यं परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। पहला जो स्तर है जीवन का वो है इंद्रियों का स्तर। एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं कहूँ तो 90% जो वर्ग है समाज का, वो इंद्रियों के स्तर पर अपना जीवन जीता है। और उसको अगर हम गहराई से समझें तो कैसे, वो वर्ग चाहता है कि बस अच्छा खाने मिले, अच्छा घूमने मिले, इंद्रियों की संतुष्टि जिसमें होती रहे वो काम करना है। और हम
हमारी जो पांच कर्मेंद्रियां हैं उनको जिसमें आनंद मिले वहाँ वो काम हमें करना है, उसके आगे पीछे का हमें कोई विचार ही नहीं करना है। तो 90% वर्ग जो है वो उस इंद्रिय आनंद में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये कृष्ण का एक स्तर बताने का प्रयास है, एक स्तर यह है जीवन का जहाँ इंद्रिय के आधार पर व्यक्ति जीवन जीता है। दूसरा स्तर वो कहते हैं इंद्रियाणि परार्ण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः। दूसरा जो स्तर है जीवन का वो मन का स्तर है। ऐसे स्तर पर भी कुछ लोग अपने जीवन को जीते हैं। अब ऐसे स्तर में क्या क्या उनकी विशेषता होगी, तो कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा सा मन की शांति के लिए कुछ कुछ करने लगते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो चाहे अन्य गतिविधियां हो। मन जिसमें संतुष्ट हो तो इंद्रियों की संतुष्टि मात्र ना मन को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, जिसमें कुछ संवेदनाएं अनुकूल उनको लगने लगे, उस दृष्टि से भी वो कुछ काम करते हैं, तो वो दूसरे स्तर का जीवन है। तीसरे स्तर का जो जो जीवन है वो बुद्धि के स्तर का जीवन है। अब ऐसे स्तर पर जब हम जाते हैं तो फिर आइंस्टीन पैदा होते हैं, ऐसे स्तर पर जब हम जाते हैं तो पाणिनि पैदा होते हैं, ऐसे स्तर पर जब हम जाते हैं तो एक वो वर्ग मिलता है जो कई बार नोबल ले जाता है आज की भाषा में हम कहें, वो बुद्धि का जगत है। अब उस जगत को इंद्रिय जगत में सुख नहीं मिलेगा। उस बुद्धि के जगत में जब हम लोगों को देखते हैं तो आप पिकासो की निंदा करते हैं लेकिन वो उसमें डूबा हुआ है, वो चित्रकार है। और हमने देखा है कि उनकी जो जो हम कहानी जब सुनते हैं तो एक उनके भाई ही उनसे कहते हैं जब दुखी होते हैं कि इसकी फोटोज नहीं बिक रहे हैं, दुखी होते हैं और किसी और को भेज करके जब उनके चित्र लिए जाते हैं और विकास को पता चलता है कि मेरे भाई ने ये किया है, तो जो इसको पीड़ा होती है वो वही समझ सकते हैं। अंत तो गत्वा आज एक बहुत बड़ा जगत है जहाँ विकासों के चित्रों की बड़ी कीमत है। तो एक बुद्धि का जगत है जहाँ वो किसी भी कला क्षेत्र में हो सकता है, वो अन्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन एक बुद्धि का जगत है जहाँ पर लोग अपनी चेतना को ले जाते हैं और एक विशिष्ट तरीके के आनंद की अनुभूति करते हैं। तो एक इंद्रियों का जगत, एक मन का जगत, एक बुद्धि का जगत, और यो बुद्धे परतस्तु सः, ये चौथा स्तर है जहाँ जब व्यक्ति पहुँचता है या जहाँ उसकी चेतना पहुँचती है तब वो व्यक्ति राम कहलाता है, कृष्ण कहलाता है, जीजस कहलाता है, क्राइस्ट कहलाता है, पैगंबर कहलाता है, नानक कहलाता है। ये है आत्मा का जगत। जब जिसे आप आज की भाषा में कहें तो एक कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं, आपको एक चींटी में भी परमात्मा दिखने लगता है, जब वृक्ष कटता है तो आप अंदर से टूटते हैं, ये जब एक संवेदना आपकी सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाती है वो कहलाता है चेतना का जगत, आत्मा का जगत। और जहाँ वहाँ पर भी पहुँचने वाले जो हमने नामों की श्रृंखला ली, ये वे ही चेतनाएं हैं जो उस अंतिम जगत में पहुँची, और संभावना प्रत्येक मनुष्य की उस चौथे जगत में पहुँचने की है। और हर एक जगत का अपना आनंद है, हर एक स्तर का अपना आनंद है। तो ये जो चार स्तर है जीवन के, इसके संदर्भ में कृष्ण ने जो एक बात कही। आपने बड़े सुंदर तरह से ये जीवन के चारों स्तरों का विस्तार किया। इससे थोड़ा अलग एक प्रश्न है जो कि आप बातचीत करके दौरान मन में आया, जो भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप जो उन्होंने दिखाया था, क्या मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क दृष्टिकोण से जब हम देख रहे हैं इस कृष्ण को, उस विराट स्वरूप को भी किसी मनोवैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है कि क्या उसका भी उस मनोविज्ञान में कोई महत्व है जो भगवान का विराट स्वरूप है? वो जो विराट रूप है, भगवद गीता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 11वें अध्याय में उसका वर्णन मिलता है। और जो विराट जो रूप है वो आप ये मत समझिएगा कि एक धारावाहिक में जब वो आते हैं और वो दिखा देते हैं और उस रूप को विराट रूप ले लें, तो अगर आप मूल ग्रंथ को देखेंगे 11वें अध्याय में विराट स्वरूप का दर्शन, और वहाँ वो जब बात करते हैं तो वो विराट रूप क्या है, वो हर एक चीज अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम मासानाम मार्गशीर्षो ऋतुनाम कुसुमाकर, चाहे ऋतुएं हैं वो हर एक चीज, पहले तो प्रकृति के अंदर जितने पदार्थ हैं उन प्रत्येक पदार्थों का वो वर्णन करते हैं, और उसमें भी जो उत्कृष्ट पदार्थ है उसको वो अपना स्वरूप बताते हैं। नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में अवृक्ष की सारी प्रजातियाँ आ गई, मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ, ऋषियों में मैं ये अन्य अन्य
जो जो विभाग है जीवन के, उन सब की जो सर्वोत्कृष्ट जो एक उस व्यवस्था का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है उसके बारे में वो बताते हैं। तो वो जो विराट एक जो रूप है वो कृष्ण इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान विकसित हो, ये समझ विकसित हो कि जिस व्यवस्था में, जिस प्रकृति में वो रह रहा है उसके प्रत्येक क्षेत्र में, उसके प्रत्येक पदार्थ में, उसकी छोटी से छोटी इकाई और छोटी बड़ी से बड़ी इकाई में मेरा ही प्रतिनिधित्व है। तो वो एक रूप, और मुझे लगता है कि इस प्रकार से जब किसी विषय को बताया जाता है कि जहाँ पर वो जो जीवन को प्रदान करने वाली जो शक्ति है, नाम मैं बड़ा स्वाभाविक रूप से बात करता हूँ, जिसमें ना कोई हम उसे ईश्वर, भगवान, ये अन्य विषय हैं, इस रूप में हम उसकी संज्ञा तो एक देनी ही पड़ेगी। तो उस शक्ति की अभिव्यक्ति की बात वो कर रहे हैं कि मैं हर एक चीज में इस रूप में व्याप्त हूँ। तो ये इसमें मनोवैज्ञानिक रूप देखें या हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो परम शक्ति जो है वो हमें किस तरीके से हर जगह अपना प्रतिनिधित्व दे रही है, हर जगह से कहीं ना कहीं वो हमारे साथ है। तो उस रूप में, उस विराट स्वरूप की वो बात करते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने मनोवैज्ञानिक स्तर पे गीता के विषय में जाना, यदि उस मनोविज्ञान को मनुष्य के प्रारंभिक चरणों में लेके जाया जाए जहाँ वो विद्यार्थी होता है, तो उसमें आपका क्या विचार है? क्या विद्यार्थी जीवन में गीता की शिक्षा के बारे में एक जनरल आपका क्या विचार है, और विद्यार्थियों को गीता का ज्ञान क्या उसी आयु से, छोटी आयु से देना चाहिए या अधिक आयु तक इंतजार करना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा आपने सुंदर प्रश्न किया है, आपने एक इतना अद्भुत प्रश्न किया है जिस की मैं जितनी प्रशंसा करूँ उतना कम। अंग्रेजी भाषा में एक उक्ति है, एज यू सो सो यू रीप, आप जो बोते हैं वो काटते हैं या वो पाते हैं। मस्तिष्क जो है वो एक भूमि के समान है और विचार जो है वो एक बीज के समान है। तो मस्तिष्क रूपी भूमि पर विचार रूपी बीज जब आप डालेंगे तो वही विचार आपके व्यक्तित्व रूपी वृक्ष में परिवर्तित होगा, जो उस विचार का है, जो उस विचार का उद्देश्य है। अर्थात उस विचार से आप विवेकानंद भी बन सकते हैं और आप बिन लादेन भी बन सकते हैं। वो इतना शक्तिशाली विचार है और इतनी पवित्र वो स्थिति होती है, जो बाल्यावस्था की जब स्थिति, वो बड़े कोमल मन है। इसलिए मैस्लो जैसे लोगों ने उससे कहा है, और फ्राइड ने भी ये बात कही है कि 5 वर्षों तक जो शिक्षा बच्चों को मिलती है वो आने वाले 50 वर्षों का विश्लेषण है। तो बाल्यावस्था में गीता के जो मूलभूत सिद्धांत है या गीता के श्लोकों का जहाँ तक पाठ है, अब जैसे 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, ये सारे के सारे व्यक्तित्व के गुणों को बताने वाले अध्याय हैं। इसमें मानवता के जो विराट से विराट गुण विकसित हो सकते हैं उसके संदर्भ में बात है। तो इतने व्यापक विचार जब एक मस्तिष्क में जाएंगे तो वो व्यक्तित्व में उसमें से गुरुत्वाकर्षण पैदा होगा, उसमें से ग्रेविटी आएगी। वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना जाए, उसमें एक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर होगी। और आध्यात्मिकता कि जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत विराट विचार है। आध्यात्मिकता जो है वो वस्तुतः ये हर एक चीज को अपने में समेटने का काम करता है, ये विध्वंसक नहीं है, ये सृजनात्मक शक्ति है। तो इस रूप में जब मैं कहूँ तो भगवद गीता बाल्यकाल से ही अनिवार्य रूप से बच्चों को दी जानी चाहिए, भगवद गीता की शिक्षा, क्योंकि उसके अंदर जो विचार है वहाँ बात करा रहे हैं कि अपने जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करने की शिक्षा है। उसमें आप कभी भी किसी समस्या को देख करके विचलित ना हो, ये वहाँ शिक्षा है। वहाँ तक तो ये बात कही है कि प्रलये ना व्यथन्ति च, एक ऐसे मन को बनाने की बात है जो प्रलय को देखकर भी विचलित नहीं होता। और अभी तो हम इसमें विचलित हो जाते हैं कि जब हम ATM जाते हैं और देखते हैं कि 4 लोग खड़े हैं, उसमें ही हम अपने पूरा का पूरा तंत्र हमारा डगमगा जाता है। जब बाइक चलाते हैं, एक थोड़ा सा धक्का मार के कोई चला जाता है तो ऐसा लगता है कि World War III हमसे ही शुरू होने वाला है। ये हमारे मन की स्थिति है। इतना दुर्बल मन का व्यक्ति किस तरीके से समाज में अपना योगदान देगा? इसलिए अनिवार्य रूप से भगवद गीता की जो शिक्षा है, जो वहाँ की जो विचार परंपरा है, वो तो बाल्यकाल से ही बच्चों में आनी चाहिए। अनिवार्य रूप से उनको उस रूप में शिक्षित करना चाहिए।
आपके विचार में जो बाल्यकाल में गीता भगवद गीता की शिक्षा है वह संस्कृत के श्लोकों का जो याद करना एक प्रक्रिया है जहाँ पे श्लोकों को कई बार रिपीट किया जाता है, उनका याद किया जाता है, क्या उससे मस्तिष्क में मनोविज्ञान पे कोई प्रभाव पड़ता है या फिर हम केवल बात कर रहे हैं कि जो दर्शन है भगवद गीता का केवल उससे ही पड़ता है? इन दोनों में यदि थोड़ा एक अंतर कर सके और दोनों से क्या फायदा या नुकसान है इसके ऊपर यदि प्रकाश डाल सके तो। बहुत सारी बातें इसमें, संस्कृत का जो फोनेटिक्स है, जो उसके उच्चारण की सारी जो विधि है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। संस्कृत में 63 वर्ड्स हैं, इतना विश्व की किसी भाषा में नहीं है। अगर हम मंडारिन के सिंबॉलिक चिन्हों को छोड़ दें तो इतने स्वर किसी भाषा में नहीं है। ये बहुत अलग तरीके के शब्दों को सृजित करती है, अलग तरीके की स्वर का विज्ञान है। तो जब भी शब्द को हम, हमारी जो परंपरा है उसमें शब्द को ब्रह्म कहते हैं कि शब्द जब निकल गया तो वो नष्ट नहीं होता। तो संस्कृत के जो जिस रूप में हम संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हैं उनका भी हमारे आसपास के आभा मंडल में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिस तरीके से उसकी छंदों की कल्पना है, पहली बात। दूसरा, संस्कृत के विषय में थोड़ा सा एक चर्चा हमें लेनी चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा रही है जिस भाषा में ज्ञान की उपासना को महत्व दिया है। संस्कृत जो है वो भारत की आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो इस दृष्टि से कहता हूं मैं क्योंकि संस्कृत में जिस ज्ञान परंपरा का सृजन हुआ, वहां जिस तरीके के अनुसंधान हुए, जो परंपरा लोगों की है, जैसे ग्रंथ लिखे गए, और आज भी वो अपने आप में बहुत अवर्णनीय है, अतुलनीय है। कभी अगर हम कोई दूसरा कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसमें सिर्फ उसी बारे में हम बात करेंगे। तो भगवद गीता भी चूंकि प्रायः आप देखेंगे तो सारा का सारा साहित्य जो है वो प्रायः संस्कृत में ही लिखा गया है। भगवद गीता भी जिस रूप में हमारे सामने आई है वो उसी रूप में सामने आई है। तो जब उच्चारण के संदर्भ में हम बात करते हैं तो संस्कृत में कुछ इस तरीके की उन स्वरों और व्यंजनों का आपस में सामंजस्य जो है वो जिस छंदोबद्ध तरीके से होता है, वे छंदोबद्ध जो उनकी प्रकृति है वे आपके वातावरण में एक बहुत अनुकूल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो उच्चारण भी जो जब आप कई बार आप भी अगर कई स्थानों पे जाते हो तो जब वेद मंत्रों को सुनते हैं और विशिष्ट प्रकार की कोई जो संस्कृत के छंदों का गायन जब सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो शरीर बड़ा पुलकित हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। तो उस रूप में अगर हम संस्कृत के साहित्य संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से भी अगर भगवद गीता को पढ़ते हैं तो एक विशेष प्रकार का एक पॉजिटिव जो एनर्जी है, वातावरण वो एक निर्मित होता है। आपने एक अन्य रुचिकर पॉइंट बोला कि जो शब्द एक बार शास्त्रों के अनुसार जो शब्द एक बार बोले गए हैं वो नष्ट नहीं होते। यदि इसको बच्चों के जब कोई विद्यार्थी श्लोकों का कथन करता है या गायन करता है तो क्या वो जो श्लोकों के शब्द निकले हैं और कई बार निकले हैं, हर रोज़ के प्रतिदिन की प्रक्रियाओं के द्वारा निकले हैं, क्या वो उसके व्यक्तित्व का भी एक हिस्सा बन सकने में सक्षम है? मतलब मनोविज्ञान को तो वो अफकोर्स प्रभाव डालेंगे, परंतु क्या जो शब्द नष्ट नहीं होते हैं वो उसको किसी भौतिक रूप में या और गहरे आध्यात्मिक रूप में भी प्रभाव डाल सकते हैं क्या? बहुत, ये भी आपका प्रश्न जो है वो बहुत प्रशंसनीय प्रश्न है। शब्द की शक्ति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा विचार है संस्कृत जगत में, बहुत बड़ा विचार। जो व्याकरण परंपरा के लोग हैं वे भी शब्द की शक्ति के संदर्भ में बात करते हैं, और दर्शन परंपरा के लोग हैं जो लोग हैं वे भी दर्शन वे भी शब्द की शक्ति के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा एक व्यापक विचार है कि बहुत कम समय में उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो एक आपने जो प्रश्न किया है कि क्या शब्द नष्ट नहीं होते या उनका बोले हुए शब्दों का हमारे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है, इस संदर्भ में थोड़ी सी बात कहने का प्रयास करता हूँ। शब्द को सृजित करने की प्रक्रिया बताई जाती है। शब्द वो है, आप
मैंने जब कोई ध्वनि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उस पर अपने कुछ हाव भाव दे रहे हैं, क्या हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ से पैदा हो रहा है, इस संदर्भ में भी संस्कृत जगत में एक बात निकलती है। हमारे नाभि केंद्र में एक ऊर्जा बिंदु है, वो ऊर्जा बिंदु यहाँ बड़ी विचित्र वो बात करते हैं कि वहां से एक तीन तरीके की शक्तियां हमारे पूरे उस शब्द को सृजित करने में काम करती हैं, एक परा, एक वैखरी और एक पश्यंती। तीन शक्तियां हमारे शब्द को पैदा करने में काम करती हैं, परा, पश्यंती और वैखरी। इसके बाद वो जो प्रक्रिया हमारे अंदर चलती है वो ध्वनि के रूप में हमारे कंठ तक आती है, और ध्वनि को जब हम वर्णमाला इत्यादि जब हम सीखते हैं तो उसके बाद वो जो ध्वनि है उसे हम अलग अलग वर्णों में हम परिवर्तित करते हैं, क्योंकि वो हमने वैसा प्रशिक्षण ले रखा है। उस ध्वनि को हम शेप देते हैं, जैसे आपके पास मिट्टी है, मिट्टी से आप दिए बनाते हैं, कोई मटका बनाता है, कोई उसका कलश बनाता है, कोई उसका ग्लास बनाता है, उस ध्वनि का आप शेप दे रहे हैं। और वो जो ध्वनि है, वो जो ध्वनि जहाँ से आपको प्राप्त हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो एक विराट रूप में आपके आसपास है। वो कैसे आसपास कहने से भी काम नहीं चलेगा। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व बतलाए गए, उन 25 तत्वों में अलग अलग वो तत्व हैं, लेकिन पांच जो तत्व हैं जिन्हें आप पंच महाभूत कहते हैं, जो पांच तन्मात्राओं से निकलते हैं, वो पांच तन्मात्राएं क्या हैं और वो पांच महाभूत क्या हैं, तो पांच महाभूत हम सभी जानते हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। पर ये जो पांच तत्व हैं, ये पांच तन्मात्राओं से निकलते हैं सांख्य दर्शन के हिसाब से। तो वो क्या तन्मात्राएं, जैसे हम सिर्फ आकाश की बात करें तो आकाश जो है वो शब्द गुण का आकाशम, ऐसी बात करते हैं दर्शन में कि आकाश की जो शक्ति है वो शब्द है। ये यूं कहें कि शब्द जहां एग्जिस्ट करेगा, जहां रुकेगा, वो आकाश है। इसलिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे आसपास इतनी विराट शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। अब जैसे हम वायु के संदर्भ में बात करें तो कहते हैं कि वायु का जो लक्षण है वो सिर्फ स्पर्श से आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति बड़ी विराट है। इसी तरीके से जो शब्द है, वे शब्द निरंतर वो एक बार जब उस क्योंकि आपने उनको वो आए हैं, जो आपका स्पेस है, सांख्य दर्शन ने कहा कि जो शब्द है वो आकाश में रहेगा, और आकाश का मतलब मेरे और आपके बीच में भी बहुत आकाश है, जो स्पेस है, जो स्थान है, वो उनके ठहरने का स्थान है, और वो आए हैं आपके अंदर उसी ऊर्जा के साथ आपके आपके अंदर वो क्रिएट हो रहे हैं, और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो आपने उसको एक शेप दिया, अब वो फिर यहाँ पर पूरे के पूरे आकाश मंडल में वो आपके बिखरते रहेंगे। और इससे बड़ी बात यह है कि अगर महाभारत का भी संवाद हुआ होगा तो उस समय की जो शब्द होंगे वे भी आज आकाश में अपना अस्तित्व लिए होंगे। और इसलिए शब्द को ब्रह्म का रूप दिया, क्योंकि शब्द जो है वो नष्ट नहीं होता, वो ब्रह्म के अनुसार है और वो अपने कर्ता को भी पकड़ता है। इसलिए जिस प्रकार इसलिए हमने कहा कि वाक सिद्धि, एक हमने सिद्धि मानी कि आपकी वाणी की सिद्धि हो गई, उन्होंने जो कहा वो हो गया। वो उसका क्या मतलब है, तो उन्होंने ये है कि बाहर की जो शब्द नामक शक्ति है, उस शक्ति को उन्होंने वो तीव्रता से सिद्ध किया है। अब वो जो बोलते हैं वही करते हैं वही सोचते हैं, इस प्रक्रिया में जब व्यक्ति का व्यक्तित्व आता है तो शब्द शक्ति उसको सिद्ध होते हैं। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जाते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, तो आपको काहे की शब्द शक्ति। और इतना मिथ्या भाषण या इतना अपशब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं तो उससे भी हमारे जो शब्द की जो शक्ति है, तो एक व्यक्ति एक शब्द बोलता है और लोग उसके शब्द में इतनी ग्रेविटी होती है कि हजारों हजारों लोग उसकी सुनते हैं, कोई बोलते रहते हैं नहीं सुनने, तो कहीं ना कहीं उसने उस शब्द की उपासना की। तो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए भी शब्द की उपासना महत्वपूर्ण है, और अपने व्यक्तित्व को कमजोर करने के लिए भी शब्द के विपरीत प्रयोगों का भी प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार से आपने ये प्रश्न किया कि क्या वो हमारे व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालते हैं, तो निश्चित रूप से भाषा अर्थात शब्द, शब्द अर्थात ब्रह्म और ब्रह्म का विपरीत प्रयोग व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा निश्चित रूप से। जो आपने शब्द ब्रह्म और शब्द की शक्ति के बारे में बताया, ये बहुत ही रोचक पॉइंट्स हैं, और
दुर्भाग्य से अभी इस पॉइंट में बहुत गहरे नहीं उतर सकते हैं, नहीं तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है, कभी हम उस रूप में उसको लेकर के इसके ऊपर अपन और आगे बातचीत करते हैं। अभी गीता को हमने विद्यार्थियों के विषय में एक बार बात किया कि इनको क्यों आवश्यकता है, ये भी बात किया कि किस प्रकार से जो है जो गीता का पाठन होता है उससे वो शब्द जो संरचना जो रचना होती है और वो किस प्रकार से प्रभाव डाल सकती है उन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में एवं उनके जीवन में। एक प्रकार से गीता एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इस रूप से आप यहाँ तक सहमत होंगे कि आपने चार स्तर भी बताए, उन चार स्तरों में उठाने के लिए गीता किस रूप से मार्गदर्शन दे सकता है? अभ्यास है न तो कौनते यो वैराग ये न चिकित होते। मैं यहाँ से इस प्रश्नोत्तर की शुरुआत करता हूँ। यह अभ्यास की एक विधि को बदलाया गया है कि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब बार बार अभ्यास करता है तो उसमें उसे सिद्धि मिलती है। हम सभी इस बात को जानते हैं। मार्गदर्शक जो शब्द है इसका अभिप्राय वस्तुतः क्या है? वस्तुतः इसका अभिप्राय ये है, व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर एक जब कॉन्फ्लिक्ट की इसकी उसकी स्थिति बनती है, जब अंतर्द्वंद की स्थिति बनती है, जब व्यक्ति दो भागों में खंड खंड बटने लगता है, जिसे हम कहते हैं सिजोफ्रेनिक, जब व्यक्ति सिजोफ्रेनिक हो जाता है, अपने अंदर टूटने लगता है। और आज भी हम वो चीज़ देखते हैं, लोग एक कोई अभिनेता है जिन्होंने अभी अपने आप को खत्म कर लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति स्वयं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो इतना भारी हो गया है कि स्वयं को सहन नहीं कर पा रहा है, इतनी जब विपरीत स्थिति बनने लगती है तब व्यक्ति को मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और सिर्फ मार्गदर्शक की नहीं है, इतनी विराट शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे उसको बाहर निकाल के लेकर के वो आए। तो जब मनुष्य का मन जब सिजोफ्रेनिक होता है, अंतर्द्वंद उसका टूटने लगता है, ऐसी स्थिति में भगवत गीता अपना काम करती है। और इसलिए वहां पर सबसे बड़ी घटना उन्होंने बता दी कि इतना बड़ा युद्ध तो आज का मनुष्य नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने बता दी कि वहां से भी आप वापस आ सकते हैं। तो अभिप्राय कहने का ये है कि वो व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है, व्यक्ति के जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करती है। और आपके जीवन में कितने बड़े संघर्ष क्यों ना आए हों, लेकिन अगर आप भगवत गीता के सिद्धांतों पर, भगवत गीता के विचारों पर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भगवत गीता के विचारों का बीज है, तो आपके जीवन में कोई भी संघर्ष, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वेपथुष्ट शरीर में कोई भी जीवन का संघर्ष आपका अहित नहीं कर पाएगा, और सहज रूप से आप वहां वापस आएंगे तो आप कह सकेंगे कि करिष्ये वचनं। ये सबसे बड़ा एक मार्गदर्शक के रूप में एक गीता की भूमिका हो सकती है कि व्यक्ति को अंतर्द्वंद से वो मुक्त करे और जीवन के कितने ही विराट और छोटे संघर्ष क्यों ना हो उससे वो मुक्त करे। आपने आपके बात के दौरान कई सारे वैज्ञानिक फ्रेमवर्क, कई सारे साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स के बारे में बात किया है, जैसे कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के ऊपर, जो भाषा विज्ञान है उसके ऊपर। उसी से संबंधित थोड़ा एक प्रश्न है कि भगवद गीता का विज्ञान से क्या संबंध है, एवं गीता को बदलते परिवेश और परिक्षेप में किस प्रकार से देखा जा सकता है, क्या इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, जब हम वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं तो अगर आप कहें कि गीता में से हमको ऐसा सूत्र लेकर के आए जो कहता हो कि E=mc², ये संभव नहीं होगा। कारण कि विज्ञान की अपनी एक प्रकृति है और अध्यात्म की अपनी एक प्रकृति, वो भी एक बहुत बड़े विचार का प्रश्न हो जाएगा कि हम किस रूप में उसको ग्रहण करें। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि न जायते ह्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब वो ये कहते हैं कि एक ऐसा तत्व तुम्हारे अंदर है, उसे काट दो, उसे जला दो, उसे पानी में डुबा दो, वो खत्म नहीं होता, तो वहां आइंस्टीन के पास तुरंत पहुंच जाते हैं कि एनर्जी कैन ना तो वो डिस्ट्रॉय होगी ना वो समाप्त होगी।
उन दोनों चीजों, अब यहाँ बात एक संपूर्ण चेतना जो बात कर रही है, और जब आपके विज्ञान के संदर्भ में भी हम कुछ तथ्यों को देखते हैं तो वो उससे हमें मिलती हुई दिखलाई देते हैं। और आवश्यक ये भी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं हर एक रूप को किसी उस रूप में ही आप परिवर्तित करें, जहां पर कि कोई आप लैब ला करके आप, क्योंकि अगर आप देखेंगे कभी भी किसी भी आप लैब में जाइए और किसी डॉक्टर से पूछिए, पूरा आप अपना टेस्ट करा लीजिए और कहिए कि भाई बताइए हमारे बॉडी की किस पार्ट को धर्म की जरूरत है, तो किसी भी पार्ट को धर्म की जरूरत नहीं है स्वाभाविक रूप से। लेकिन वही मैंने कहा कि इस संसार की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वे सारी अदृश्य हैं, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम बहुत उस रूप में रहते हैं, हम हमारी बहुत निर्धारित सीमा है, आपकी हमारी सिर्फ इतनी सीमा है कि हम 2 किलोमीटर देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो वजन उठा सकते हैं, 10-20 बार थोड़ा सा दौड़ लेंगे तो उसमें ही परेशान हो जाएंगे, हम बहुत सीमित हैं। मनुष्य एक विचित्र स्थिति है, और ये विचित्र स्थिति ऐसी है कि वो जहां पर है, जाना तो है उसे बुद्धों के जगत में, लेकिन आया है वो पशुता के जगत से, तो एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां पर वो होना तो चाहता है परम चेतना का अंग, लेकिन कहीं ना कहीं उसके संस्कार जो है वो भी उसे खींचते हैं, और वो उसके बीच में एक द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसी हुई एक चेतना है। तो ये तो एक अध्यात्म की भाषा में बात है। तो इस रूप में जब आप देखते हैं तो कोई भी आपके शरीर में देख करके नहीं कह पाएगा कि आपके लीवर में जो धर्म है उसको दिक्कत है, आपकी किडनी में धर्म की जो नस है उसको दिक्कत है, आपके शरीर में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चमक, सबसे ज्यादा ग्रेविटी अगर पर्सनैलिटी में कोई लेकर के आता है तो धर्म। अब आप धर्म को ये मत कहना चाहिए कि हम जल चढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रंग बिरंगे कपड़े, वो 200-250 ग्राम हम चंदन लगा रहे हैं, या बहुत सारी, मैं तो कहता हूँ अगर आज कृष्ण होते तो शायद वो भी ब्लेजर पहनते, तो वो धर्म का कपड़ों से और मालाओं से और रंग बिरंगे उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। धर्म का जो गहरे से गहरा मतलब है वो चेतना की उत्कृष्टता से, वो धर्म का मतलब है। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो जो कि आपका प्रश्न था, तो विज्ञान के अपने कार्य हैं और भगवत गीता के अपने कार्य हैं, तो इस रूप में उसे विज्ञान और भगवत गीता को जोड़ा जा सकता है, ये एक मेरा इसमें अभिप्राय। आपका ये बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन रहा कि विज्ञान का फ्रेमवर्क और भगवत गीता का फ्रेमवर्क अलग अलग है, अन्यथा कई स्थानों पे जहाँ पे इन दोनों फ्रेमवर्क्स को एक करने का प्रयास किया जाता है वहाँ हमारी ही विफलता होती है, जहाँ पर एक समय ईथर को जो है आकाश के तुल्य बता दिया गया, फिर विज्ञान में ईथर को रिजेक्ट कर दिया कि ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अब ऐसी स्थिति में अब आपके आकाश का क्या हुआ। तो ये बहुत ही उचित और बहुत ही सुंदर बात है कि विज्ञान का फ्रेमवर्क अलग है और भगवत गीता का फ्रेमवर्क अलग है, और हमें भगवत गीता के फ्रेमवर्क को विज्ञान के फ्रेमवर्क में डाइजेस्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या एक सारांश रूप में आप यह बता सकते हैं कि भगवत गीता का फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि विज्ञान तो भगवत गीता का हिस्सा है, विज्ञान कोई अंग्रेजी शब्द तो है नहीं, वो हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। भगवत गीता में जो विज्ञान है वो किस रूप में है, यदि उसका एक सारांश दे पाए तो। अगर भगवत गीता को हम विज्ञान के ही संदर्भ में देखना चाहें, यथैधांसि समिद्धो मृत भस्मसात कुरुतेर्जुनो ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जब आप विज्ञान कहते हैं तो वहां संस्कृत का एक उपसर्ग है वी, जो कि ज्ञान शब्द में लगा है। वी जब उपसर्ग लगता है तो शिष्ट विशिष्ट बन जाता है, ज्ञान विज्ञान बन जाता है। वी उपसर्ग का मतलब होता है और थोड़ा सा अच्छे तरीके से और थोड़ा खास तरीके से, ये उसका मतलब होता है। तो ज्ञान में ही वी उपसर्ग लगा है। भगवत गीता में जिस विज्ञान को हम तलाशने की कोशिश करते हैं वो मानव चेतना को विराट बनाने का विज्ञान है, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं
जो एग्जिस्ट तो हैं, जिनकी जिनकी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इस रूप में हम भगवत गीता को, क्योंकि वो जहां जब भगवत गीता जिस विराट स्वरूप से आ रही है, कहीं ना कहीं एक मनुष्य का जो है वो ही विज्ञान को सृजित कर रही है, तो उस शक्ति को डिकोड कर पाना अपने आप में, एक कम बुद्धि वाले व्यक्ति से अगर आप कहें कि बहुत बड़े जो विषय हैं उनका वो सॉल्यूशन कर दें, या मैं यूं कहूं कि एक छोटे से ग्लास में आप एक गुंड पानी भर डालें, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, होगा ये कि उस ग्लास में जो है वो पूरा पानी, जितना उसकी क्षमता होगी उतना ही आ पाएगा। एक विराट चेतना को समझने का अगर प्रयास, अगर हम छोटी चेतनाओं से या छोटे माध्यमों से करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है और वो असंभव भी है। ये एक मनुष्य मात्र को सोचना चाहिए, और वो बहुत अनुभव का, इसलिए धर्म बड़ा अनुभव का विषय रहा। तो इस रूप में जब मैं कहूँगा तो भगवद गीता जिस विज्ञान की बात करती है, तो वो पहला तो विज्ञान ये है कि वो चेतना को, मनुष्य का जो अंतिम होना है, भगवद गीता इसकी बात नहीं कर रही है कि आप पार्षद बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, सम्राट, क्या बनते हैं, इस संदर्भ में उसका कोई लेना देना नहीं। उसका लेना देना ये है कि आपकी चेतना इस उस विराट रूप में स्थित हो जाए, कि जब आप ये आपके अंदर से ये भाव निकलने लगे कि स्थितोस्मि गत संदेह, जीवन अब इतना अकंप भाव, इसलिए वहां उन्होंने जब लक्षण बताए तो कहा कि समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगः रज्यतः। इस स्थिति में आपकी चेतना अगर पहुंचती है, वो भगवत गीता का विज्ञान है कि वो अपने एक व्यक्ति को, उसकी चेतना को, उसके व्यक्तित्व को इस स्थिति में लेकर के जाए, जहां वो करता तो है। अब वहां भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो अन्य धार्मिक ग्रंथों की विशेषता नहीं है, कि इन्होंने कर्म के संबंध में तो अद्भुत उपदेश किया है, उसकी शायद हम आगे बात भी करेंगे। ये कराना चाहते हैं युद्ध और कहते हैं बनो योगी, ये एक बड़ी विचित्र, एक योगी से युद्ध कराने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं और नहीं मिलेगी, ये अद्भुत बात है। इसलिए करना तो आपको जीवन का युद्ध है, लेकिन उसमें साक्षी भाव, उसमें साक्षी भाव, अकंप भाव से, आपको पता है कि आप 70 साल के मेहमान हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो जब आपकी चेतना थोड़ा सा ऊपर के स्तर पर जाती है, तो सिर्फ यही है कि व्यक्ति क्यों आखिर इंद्रियों के जगत में क्यों जाना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उससे ऊपर का आनंद उसने नहीं लिया। जब उससे ऊपर का आनंद व्यक्ति को मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से वो तुच्छ चीजों में अपने जीवन को नहीं खत्म करना चाहेगा। वो जो ऊपर का आनंद है, वहां पे भी आनंद है, ऐसा नहीं है कि वहां आनंद नहीं है, वहां पे भी आनंद है। तो वो चेतना को ऊपर उठाने का काम करती है, तब आप अकंप भाव से, तब आप कुछ चीजें दुखी नहीं करेगा, तब आप दूसरों के हाथों में अपनी स्विच नहीं देते। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहे कि आपको दुखी कर दे, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको सुखी कर दे। अब आपके पास नियंत्रण है, आप चाहेंगे तो सुखी होंगे, आप चाहेंगे तो दुखी होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अभी एक कोई आप मुझे गाली दे और मैं रहूंगा ही नहीं, मैं क्या हो जाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा, किस रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा, आप मुझे एक माला पहनाइए, मैं क्या हो जाऊंगा मुझे पता नहीं। कि स्वाभाविक रूप से चेतना का इस तरह हो क्या गया, एक माला ने आपको हवा में फ्लाई करा दिया, या दो अपशब्दों ने आपको इतना दैत्य बना दिया। ये जो चेतना का जो स्तर है, इसमें काम करती है भगवत गीता, और वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि यथे धांसी समित होगे, जैसे आग सभी कुछ ध्वस्त कर देती है, आग सभी कुछ जला देती है, वैसे ही ज्ञान सब कुछ ध्वस्त कर देता है। इसलिए ज्ञान, समझ, चेतना की अवेयरनेस जब ये व्यक्ति में होती है, तो उसके जीवन में एक समता और एक विशिष्टता आ जाती है। तो ये है भगवद गीता का विज्ञान। इसी से संबंधित गीता में जो ज्ञान योग है, उससे क्या तात्पर्य है, यदि आप उसको भी एक संक्षेप में बता सके तो। बिल्कुल, देखिए
तीन योगों की हम प्राय बात करते हैं, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग। योग का मतलब होता है, संस्कृत में एक धातु है जिसे हम रूट कहते हैं, हर एक शब्द उससे मिलकर के बनता है रूट। तो धातु जो है वो शब्द के गुणधर्म को बताती है, ये बड़ी विशिष्ट व्यवस्था है। तो योग जो शब्द है वो युज धातु से बना है, युज का मतलब होता है जोड़ना। तो अब जोड़ना अर्थात योग का मतलब हुआ जोड़ना, तो क्या भक्ति के द्वारा जोड़ना, ज्ञान के द्वारा जोड़ना और कर्म के द्वारा जोड़ना, किससे जोड़ना, तो वही चेतना उस विराट रूप में अपने आप को जोड़े। पहली बार तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों के तीनों जो योग है ये भगवद गीता के अभिन्न अंग है। अब यहाँ ये सिर्फ ज्ञान योग से जो अभिप्राय है वो बड़ा अद्भुत अभिप्राय है। जैसे कि अभी पहले मैंने श्लोक भी बताया था जिसमें कहा कि यदि धानसी समझ लोगे, ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है उसके संदर्भ में तो यहां तक बात कही जाती है कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः सा सुखी न रहा, ऐसा एक उसके संग बात है। ना उसके ना वो कुछ गलत उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है, ना कोई अच्छा उससे प्रभावित कर सकता है। ज्ञान की वस्तुतः जो स्थिति है वो बड़ी अद्भुत स्थिति है। एक सामान्य रूप से एक व्यक्ति जब एक किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखेगा तो वही स्थिति है, शरीर का स्वरूप वही है, चेष्टाएं वही है, लेकिन वो जो सेट ऑफ माइंड उसका जो है वो अलग तरीके से काम करता है। तो ज्ञान के संदर्भ में कुछ चर्चा उसमें और भी आती है, वो हम थोड़ा सा दूसरे विषय में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ज्ञान की जो साधना है और ज्ञान वस्तुतः ज्ञान भी क्या है, किस ज्ञान को आप ज्ञान कहेंगे, उसके बारे में बात कही है। लेकिन मूल रूप से जो बात उसमें ये है कि ज्ञान की एक जो स्थिति है वो एक गहरी समझ आपके अंदर विकसित हो, किस चीज़ की समझ, उसने सारे प्रकृति पदार्थों के संदर्भ में बात कही उस चीज़ की। और कर्म योग के संदर्भ में भी थोड़ी सी आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ज्ञान के संदर्भ में बात इतनी है कि व्यक्ति जब सारी प्रक्रियाओं से चल करके एक ज्ञान के विजडम ऑफ लव जिसे आप पश्चिम में कहा है, उस जगत में जब प्रवेश करते हैं तो सारी तरफ एक हरियाली, एक तरंगे घूमती हैं, आप आह्लादित होते हैं, ऐसे अनुभव कभी नहीं आते हैं। वो उसका वर्णन भी है वहाँ, ऐसा लगता है जैसे कि जो कहा भी है वहाँ की आप एक सूर्य को प्रकाश देखते हैं, एक ज्ञानवान की व्यक्ति के जीवन में ऐसा लगता है जैसे 1000 सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों, तो कल्पना नहीं करेंगे उस स्थिति की। तो उस तरीके की वो एक पूरी प्रक्रिया उसमें कही है ज्ञान की। हमने जो है ज्ञान योग के बारे में जो अभी तक बात किया, उसके बाद में जो कर्मण्येवाधि का रस्ते माँ फलेशु कदाचन में, कर्मयोग का सिद्धांत क्या है गीता में? कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन, जब इस श्लोक को हम बोलते हैं पढ़ते हैं तो भारत का नहीं बल्कि विश्व का बहुत बड़ा वर्ग इस श्लोक को समझता है। कारण उसके बहुत सारे रहे, एक जो बहुत प्रख्यात एक धारावाहिक था उसका भी आरंभ इससे होता है। इस रूप में ये काफी लोगों से जुड़ा हुआ श्लोक है, पर इसके कुछ जो गूढ़ार्थ हैं उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, उसके बाद हम थोड़ी कर्म योग के बारे में बात करें। इस श्लोक का पंक्तिशः थोड़ा सा अर्थ देखें, ये कहता है कि जब हम इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद कर देते हैं, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भाव निकल के आता है कि कर्मणि एव ते अधिकारः। बहुत अद्भुत, बहुत सूक्ष्म दृष्टि यहाँ दी गई, बहुत विराट विचार यहाँ दिया गया है। तो वो जो सत्ता है वो जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो मानव मात्र से एक बात कहती है इस ध्वनि के माध्यम से कि हे मानव, ते अधिकारः कर्मणि एव, कि मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं मानव मात्र के लिए, वो क्या है, तो कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है,
कर्म करने में तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम जैसा करना चाहो, जो करना चाहो, जितना करना चाहो, ये शक्ति और ये अधिकार तुम्हें मैं देता हूं। लेकिन मां फलेशु का राजन, पर उस कर्म को करने के बाद उसका जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारे अधिकार में नहीं देता। तुम कितना ही कुछ कर लो, लेकिन अगर तुम चाहो कि उसका परिणाम ऐसा आए तो वो नहीं आएगा। तो मां फलेशु, तुम्हारा फल में कभी अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब तुम्हें जो स्वतंत्रता मिली है, वो करने की स्वतंत्रता मिली है, उसके बाद फिर वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो परमात्मा है, वो निर्णय करेगा कि इस कर्म का फल क्या मिलना है। तो मां फलेशु, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा विचार है मेरी दृष्टि से, कि मनुष्य की जो जो शक्ति है वो कर्म तक सीमित है। इसलिए इसे इस रूप में देखा जाता है कि जो तुम करना चाहते हो वो करो, इसलिए वो शक्ति नहीं रोकती। तुम्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराना है, गिराओ, मैं उसमें भी सहायक हूं। तुम्हें बहुत सारे विद्यालय खड़े करने हैं, मैं उसमें भी सहायक हूँ। वो शक्ति सहायक नहीं करती, वो तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यः, जो मुझे जिस रूप से चाहता है मैं उस रूप में सहायक होता हूँ। इसलिए जो कर्म का जो सिद्धांत यहाँ निकल के आता है, तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और उदारता पूर्वक करिए, लेकिन जो फल जो है वो प्रकृति डिसाइड करेगी। फल क्या मिलना है उसका, अब आप बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराइए, लेकिन एपटावाद में अंत फिर वो प्रकृति निर्धारित करेगी। अभिप्राय कहने का यह है कि शिकागो में एक सन्यासी अपने विचार देते हैं, और जब उनके अंदर से निकलता है कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई मिनटों तक उसका करतल ध्वनि से स्वागत होता है। ऐसी जो चेतनाएं हैं, ये इतना गहरा प्रभाव 1800 शताब्दी में भी अपना छोड़ती है। स्वाभाविक रूप से वो निरंतर वो शक्ति काम करती है। इसलिए ये गीता का सिद्धांत जो है वो बड़ा विश्व मान्य हुआ, बहुत विश्व में इसने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की, क्योंकि वो अनुभूत सिद्धांत है। कितना ही आप प्रयास कर लीजिए, कई बार ये तो मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पांचवा अटेम्प्ट है, छठवा अटेम्प्ट है, क्या करूँ, आप निर्धारित नहीं कर सकते। मैं कई परीक्षाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा, मैं तो इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, वही आपके पास है। वो शक्ति मूल्यांकन करेगी कि आपके पुरुषार्थ में कितना बल है, वो शक्ति निर्धारण करेगी कि आपका जो पुरुषार्थ है उसको कितना यश देना है, उसको कितनी सफलता देनी है। वो सारा का सारा जो ले रखा है, फल की जो ऊर्जा ले रखी है, वो उसने ले रखी है। तो इसलिए ये जो श्लोक है इसका यही भाव निकल के आता है कि कर्म में अधिकार मनुष्य जाति का है, और उसका जो फल है वो जो पराशक्ति है, वो जो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो निर्धारित करेगी कि उसको कैसा फल देना है। पहला तो इस श्लोककार। दूसरा जो है कि वो कर्म का सिद्धांत क्या है। स्वाभाविक रूप से कर्म का सिद्धांत जो वो है, यहाँ गीता जो है वो सक्रियता पर व्यक्ति के बहुत महत्व देती है। व्यक्ति सही दिशा में सक्रिय रहे, पुरुषार्थ युक्त रहे, ये एक सहज रूप से उसका एक कर्म का सिद्धांत बनता है, निकल के आता है। तो क्या सक्रियता, क्या कर्म? अब उस समय की भी अगर हम जब बात कहें तो जब ये उपदेश दिया जा रहा है, उस समय की समाज की आर्थिक स्थिति अलग थी, सामाजिक स्थिति अलग थी, मान्यताएं अलग थी, और उस हिसाब से इसमें बहुत सारे कुछ आगे उदाहरण भी हमें मिलते हैं। वो जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर के वो उदाहरण कुछ देते हैं, तो उस रूप में उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक दृष्टि दी, वो ये कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। कि कर्म के सिद्धांत को उन्होंने इतना तक विराट बना दिया कि कर्म के माध्यम से भी व्यक्ति, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उस स्थिति को भी पहुंच सकता है। अगर वो बहुत पवित्रता पूर्वक अपने दायित्व का और कर्म का निर्वाह कर रहा है, तो उसमें भी इतनी क्षमता है कि व्यक्ति उस स्थिति में भी उसके माध्यम से पहुंच सकता है। तो ये कर्मण्येवाधि कारस्ते का जो सिद्धांत है, कर्म के प्रति एक समर्पण भाव के साथ निरंतर सक्रियता रखना, और तनिक भी ये विचार न करना कि इसका मुझे प्रतिफल क्या मिलेगा,
ये बहुत बड़ा विचार है, क्योंकि आप जब किसी को अगर इतनी भी अपेक्षा पड़ जाए कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को रोड से उस पार करना है, तब भी आपके अंदर ये भाव आ जाता है, यार ये मैंने इसको इतना पार किया है, पता नहीं मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। तो ये जो आसक्ति है कर्म के फल के प्रति, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है धार्मिक दृष्टि से। कर्म में आसक्ति स्वाभाविक है, लेकिन कर्म के फल में जब आसक्ति आपकी होती है तब आपकी स्थितियां विपरीत शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप हिंदी में एक बात कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, वो कहीं ना कहीं इस भाव को दे रहा है। तो कर्म के फल में हमेशा अनासक्त रहें और कर्म की सक्रियता और उसकी उत्कृष्टता में हमेशा आसक्त रहें। कर्म जितनी उत्कृष्टता पूर्वक किया जा सकता है, जो भी दायित्व है, जो भी कर्म है, उसमें जितना परफेक्शन आप ला सकते हैं, जितनी उत्कृष्टता ला सकते हैं आपकी समझ और आपके विवेक के अनुसार, वो लेकर के आए। लेकिन एक तनिक भी ये भाव ना रखें कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं। वहां जब आप उस संदर्भ में बात करते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा, तब आप ईश्वरीय शक्ति के विपरीत सोचना शुरू कर देते हैं और तभी आप डाइवर्ट होना शुरू कर देते हैं, तब भी आप तनाव के जगत में थोड़ा प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गंभीर विषय और बहुत महत्वपूर्ण बोध है, और जो कि स्वाभाविक है, जो आपके हाथ में वास्तव में है भी नहीं। इसलिए कर्म के परफेक्शन में निरंतर सक्रियता, ये एक बहुत बड़ा विचार है जो आज हर एक व्यक्ति की समझ में तो होना ही चाहिए, जो सहायक भी है व्यक्ति की सफलता के लिए और एक तनाव रहित जीवन जीने के लिए। ये इसमें मेरा अभिप्राय। यदि कर्म किया जाएगा तो परिणाम तो आएगा, ये तो दार्शनिक रूप से हो गया कि कर्म के परिणाम से आसक्ति ना रखी जाए, परंतु इसको व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से किया जा सकता है? क्योंकि एक नेचुरल प्रोग्रेशन जो है कि कर्म कुछ किया है तो एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसका रिजल्ट ये निकलेगा, क्योंकि जो एंड गोल है वो जो रिजल्ट है उसको ही माना जाता है। तो यदि आसक्ति अलग करने की बात है तो फिर अभिप्राय क्या है कोई भी कर्म करने, यदि परिणाम से आसक्ति नहीं, परिणाम का चिंता ही नहीं है, तो अभिप्राय क्या है क्यों कर्म करें? बहुत ठीक तरीके से आप ये बात पूछ रहे हैं। एक स्वभाव सा बनता गया है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम अलग रूप में समझते हैं। ये जो विचार है ये इतना विराट विचार है कि इसकी जो सूक्ष्मता है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात कह रहे हैं कि कर्मणि एव अधिकारः ते। ये बहुत अच्छी एक व्यवस्था बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य मात्र जो है उसकी जो शक्ति है, जहां वो कुछ कर सकता है, वो है कर्म। जो भी वो कर रहा है, जो भी उसका दायित्व है, जो भी नियति ने उसको दिया है, उसको वो जितने बेहतर तरीके से कर सकता है वो करे। ये विचार सिर्फ ये कह रहा है कि आप जितने भी परफेक्शन के साथ अपना कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कोताही न बरतें, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रखें। लेकिन अब आप उससे जो अपेक्षाएं करते हैं कि मैंने इतना किया है तो उसका ये परिणाम होगा और इसके इतने ज्यादा प्रतिफल आएंगे, तो कई बार जब उस तरीके की परिणाम आपके जीवन में आते नहीं है तो वो भी एक तनाव का एक हिस्सा हो जाता है, और उस हिसाब से परिणाम आते हैं तो वो अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ बात इतनी है कि आप कर्म के परफेक्शन पे अगर ध्यान देंगे, और आप कितना ही क्यों ना प्रयास कर लें, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में भी यहाँ कुछ उदाहरण दे सकता हूँ कि, या आज के बहुत सारे ऐसे वातावरण हैं जहाँ पर ये उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण उसमें से लिए जा सकते हैं, कि आपके अंदर कोई भी व्यक्ति वो परफेक्शन के साथ काम बस कर सकता है, उसके बाद प्रकृति नियति हर व्यक्ति की अपनी उसकी एक मूल्यांकन होता है उसके काम का। अब हम स्टीव जॉब्स के काम को देखते हैं, अगर हम उसे भौतिक रूप में ही देखें तो वो व्यक्ति अपने एक काम को परफेक्शन माने एक नए रूप में लेकर के आते हैं, वो अपनी तकनीकी को नए रूप में लेकर के आते हैं। बाकी मूल्यांकन तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिनिधि हैं, वो कर ही रहे हैं, प्रकृति उसका मूल्यांकन कर ही रही है। तो आप जब भी किसी चीज में परफेक्शन लेकर के आते हैं तो उसका मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से उसका होता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ है
तीन प्रकार के जो नियम है, पहला नियम जो है वो विधाता का नियम है, परमात्मा का नियम है या ईश्वरीय नियम है। दूसरा एक जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उसका नियम होता है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और तीसरा एक नियम होता है, एक सोसाइटी का नियम होता है, सामाजिक प्रतिबद्धता, सामाजिक एक समझ। ये तीन प्रकार के जो नियम है इसमें रह करके व्यक्ति को काम करना पड़ता है। तो जब व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है तो उसके विपरीत प्रभाव उसको आते हैं। जब व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है तो उसके परिणाम उसको यहीं पर मिलते हैं। तो जब व्यक्ति परमात्मा के नियम तोड़ता है, उसके भी अपने कुछ नियम हैं, तब भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रतिकूलताएं देखता है। तो ये जो प्रकृति के नियम हैं, ये उनके संदर्भ में बात, और वे बंधे बधाए नियम है, वे सब पर लागू होते हैं, वे सबकी अपनी जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रकृति का नियम है वो ये नियम होता है कि आप जब अपना कोई भी कर्म करते हैं उस कर्म में पूर्ण तरीके से आप जितनी भी आपके अंदर क्षमता है उसके आधार पर आप करिए, उसके बाद उसका मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से होगा, उसका आउटकम आएगा। और कई बार व्यक्ति उससे जुड़ जाता है तो नहीं भी आता है तो उसमें दुखी होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके परिणाम में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये एक वहाँ जो विचार है वो ये इसलिए दिया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर आता रहता है जो साधारण जनमानस है उनके समक्ष, कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए हैं धर्म एवं स्वधर्म के ऊपर, वह क्या है, धर्म क्या है और उससे अलग स्वधर्म क्या है, और यह मनुष्य साधारण जनमानस के लिए किस प्रकार से यह उनके ऊपर लागू होता है। ठीक, धर्म की अनेक परिभाषाएं धार्मिक दृष्टि से मिलती हैं। बहुत सारे उपनिषद धर्म की परिभाषाएं देते हैं, वैदिक धर्म के संदर्भ में भी बहुत सारे उपदेश मिलते हैं, कहीं भीष्म ने भी बहुत सारे धर्म की परिभाषाएं दी हैं, आपकी स्मृतियां जो हैं वो भी बहुत सारे धर्म की परिभाषाएं देती हैं, जहाँ तक कि वहाँ ये कहा गया कि धृति ही क्षमा दम अस्तेय क्षीरतिराजमेवचा दशकम धर्म लक्षणम, ये मनुस्मृति ने कहा कि 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हैं। बहुत सारे उपनिषदों में भी धर्म के लक्षण की बात कही है। धर्म जो शब्द है वो धृत धारणे इस धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है धारण करना। स्मृतियां तो कहती हैं कि धैर्य जो धारण कर रहा है वो एक धर्म का लक्षण है, जो असत्य नहीं बोल रहा है वो एक धर्म का लक्षण है, जो चोरी नहीं कर रहा है, किसी की चीज़ों को छीन नहीं रहा है, चाहे वो वस्तु हो चाहे ज्ञान हो चाहे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है जिसको छीन नहीं रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी धर्म का आचरण कर रहा है, जो ज्ञान और स्वाध्याय में लगा है वो धर्म का आचरण कर रहा है, ये स्मृतियां कहती हैं। तो इसलिए धर्म की बहुत विराट चर्चा है संस्कृत साहित्य में, और भी स्वाभाविक रूप से हम व्यवहार में देखते हैं तो धर्म की बहुत सारी चर्चा होती रहती है। एक धर्म की चर्चा भगवद गीता भी करते हैं, वहां जो आपने स्वधर्म शब्द का प्रयोग किया ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वधर्म के संबंध में भगवद गीता में बहुत अच्छे कुछ विषय निकल करके आते हैं। क्या है स्वधर्म? व्यक्ति का धर्म, मूल रूप से व्यक्ति का धर्म क्या है? तो बहुत सारी जब चर्चा होती है तो वहां 17वें अध्याय में स्वधर्म पर एक श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। व्यक्ति अपने धर्म में संघर्ष करते हुए अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म का आचरण न करे। तो क्या हम इस धर्म को वो धर्म माने जो हम सनातन या धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया चलती है उस धर्म को? नहीं, वो ये धर्म की बात नहीं कर रहा है, वे उस धर्म की बात कर रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने बताया है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम क्षात्र कर्म स्वभावजम। उन्होंने कहा है कि हर एक वर्ग के 4 वर्ग दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
इन पर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये जो 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 वर्ण है चार, ये भी गुण कर्म विभागशः, ये गुणों का वर्गीकरण है। एक ऐसा वर्ग जो ज्ञान की उपासना कर रहा है, अध्ययन अध्यापन अनुसंधान में काम कर रहा है, वो वर्ग जो है वो ब्राह्मण वर्ग कहलाएगा। यहाँ जाति से संबंध ही नहीं है, इस विषय में कोई जाति से संबंध नहीं। गुण कर्म, गुण और प्रकृति से वो चार व्यवस्थाएं स्थापित करते हैं, वहां कोई जाति बोध शब्द नहीं है। तो एक ऐसा वर्ग जो ज्ञान की उपासना कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो समाज में रक्षा कर रहा है, समाज के हर वर्ग की जो रक्षा कर रहा है, वैसा एक जो वर्ग है उसे क्षात्र धर्म कहा। इसी तरीके से एक वैश्य धर्म है, एक शूद्र धर्म, परिचर्यात्मकम धर्म शूद्र स्वापी स्वभाव, जो इतने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों में सहयोग कर रहा है, उन लोगों की मदद कर रहा है, उनका सहायक है, वो जो है वो अंतिम एक वर्ग है, वो वर्ग है। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग वर्गों को बांटा। तो अलग अलग वर्गों के उन्होंने धर्म बतलाए, अर्थात अलग अलग जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसका उन्होंने बहुत व्यापक विश्लेषण किया। इस तरीके से जो एक वैश्य वर्ग है उसके बारे में वो कहते हैं कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। एक किसान का काम अगर खेती करना है, फसल उगाना है, गौओं की सेवा करना, चूंकि सामाजिक वातावरण उस समय जो रहा वैसे ही उन्होंने उदाहरण लिए। आज का अगर कोई वातावरण अलग होता तो फिर यहाँ पर थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात भी होती, तो वो उस समय की सामाजिक जो कार्य थे उनके हिसाब से वहाँ उदाहरण भी लिए हैं कि कृषि करना, गौ सेवा करना, गौ रक्षा करना, वाणिज्य व्यापार करना, तो वहाँ चाहे वो सूप का व्यापार हो, चाहे मिट्टी का व्यापार हो, चाहे उस समय के जो व्यापार हैं उन सब व्यापारों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे करना। तो यहाँ मेन महत्वपूर्ण जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि कृष्ण भगवद गीता में ये बताते हैं कि स्वे स्वे कर्मण निभिरता, नियति और प्रकृति कई बार व्यक्ति को दायित्व देती है। ये कई बार हम सोचते हैं कि हम यहाँ हैं तो यहाँ क्यों हैं, तो ये भी बड़ी विचित्र स्थिति हो कि हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, बनते कुछ हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं नियति का भी एक आयोजन होता है, आपके अपने पुरुषार्थ भी होते हैं कि आपके जीवन में करने के लिए कुछ आता है। तो व्यक्ति का जो कर्म है, जो प्रकृति नियति और उसके पुरुषार्थ से उसे प्राप्त हुआ है, उस कर्म को निरंतर करते रहना, उत्कृष्टता पूर्वक करते रहना, उस कर्म में ही एक ये भाव देखना कि इसके माध्यम से मैं मानवता की सेवा कर रहा हूं, यही प्रकृति प्रदत्त जो कर्म है इसको मैं जितने शुचिता पूर्वक कर सकूं, ये स्वधर्म है। प्रकृति और नियति के द्वारा प्रदत्त आपको जो कर्म है, उस कर्म को जितनी शुद्धता से, जितनी निष्ठा से, जितनी पवित्रता के साथ आप कर सकते हैं, उस धर्म का पालन ही स्वधर्म है। और ऐसा जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म के प्रति समर्पण भाव आपके अंदर एक विराट आध्यात्मिकता को पैदा करता है। और स्वधर्मे निधनम श्रेया, और ऐसे पवित्रता पूर्वक काम करते करते व्यक्ति अगर मृत्यु को भी प्राप्त होता है तब भी वो श्रेय शब्द कहा, श्रेष्ठतम मृत्यु वो कहलाएगी, परधर्मो भयावह। अब इसमें ही आपकी कुछ मान्यताएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से कर्तव्य कर्म के प्रति समर्पण भाव स्वधर्म है, और उस स्वधर्म का पालन व्यक्ति निष्ठा पूर्वक करे, ये एक गीता के परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टि। आज का एक आखिरी प्रश्न है कि समाज को सभ्य एवं सुदृढ़ बनाने में गीता किस प्रकार से सहायता कर सकती है, जिसके कारण इसको जो है हम अडॉप्ट करें। गीता सनातन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, और इसकी सर्वोत्कृष्टता अभी एक तो जो एक जो मेन एक मान्यता है वो कहते हैं कि 5000 वर्षों से ये निरंतर अस्तित्व में आया ये ग्रंथ, ये विचार। तो 5000 वर्ष का जब इतिहास है इस दिव्य ग्रंथ का, तो स्वाभाविक है कि 5 वर्षों के इतिहास में
कितनी सारी सभ्यताएं, कितनी सारी जातियां, कितने सारे मनुष्य, कितने सारे बुद्धिजीवी, कितने सारे स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग, कितने सारे अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, बहुत बड़ा वर्ग इस कालखंड में निकल गया। और तब से निरंतर ये भगवद गीता के जो विचार हैं ये सतत एक हस्तांतरित होते रहे हैं। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है इस संदर्भ में भी अगर हम गीता और समाज के सुदृढ़ीकरण पर अगर हम एक विषय या चर्चा करें तो गीता के जो सिद्धांत हैं, गीता के जो नियम हैं, ये प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं। ये इतने अनंत काल से चले आ रहे हैं और इतने अनंत काल तक चले आएंगे। हम एक समाज का, एक पीढ़ी का तो लगभग 100 वर्षों का एक काल होता है, उसमें ही वो अपने जीवन को निकालते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे काल से चला आ रहा है और चलता भी आएगा, क्योंकि ये उन नियमों की बात करती हैं जो नियम मानवता के अस्तित्व को बचाने का काम करता है। यहाँ कहा है कि राग और द्वेष, घृणा और ईर्ष्या, शत्रुता और मित्रता, जो मानव संवेदनाओं से जो जुड़े हुए गहरे जो विषय हैं, उनके संबंध में भगवद गीता बात करती है। तो हम ऐसा कौन सा स्वरूप दें जिससे कि भगवद गीता एक सुदृढ़ समाज, या सिर्फ समाज कहना तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं संपूर्ण मानवता के हित में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। तो पहली बात तो ये है कि सारी की सारी मानवता के लिए ये ग्रंथ एक महानतम उपदेश देता है। और वो बात इसमें ये आती है कि अभी जो समाज की या पूरी मानवता की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि व्यक्ति कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इससे बड़ा अनभिज्ञ है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करने जो किया हुआ है उसका क्या परिणाम होगा, जो नहीं करना चाहिए था उसको कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, इस प्रकार की जब एक स्थिति बनती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग एक अवसाद की स्थिति में जाता है। और हम देखते हैं, अब मैं सिर्फ भारत के ही संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, हम पूरी मानवता के ही बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए कितने संपन्न लोग हैं, लेकिन आज ड्रग्स के बिना जीवाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। मेक्सिको जैसे जो देश हैं वहाँ पर तो मैं एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने बताया कि वो उनके एक रिलेटिव है, उनकी जो बालिका है उसने पूरे शरीर में इंजेक्शन ले ले करके पूरा का पूरा शरीर उसका इंजेक्शन से सूज रहा है। अब वो एक क्षण भी जो है वो उसका बिना ड्रग्स के, उसकी बॉडी ने ऐसे संस्कार पैदा कर लिए हैं कि बिना ड्रग्स के वो जीना उसका मुश्किल हो रहा है। मैं सिर्फ उस बच्ची का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि संपन्नता अपनी जगह है। हमेशा जो एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, व्यक्ति की जो चेतना है उस चेतना के संदर्भ में भगवद गीता जो बात कहती है, हम अगर विराट से अपनी चेतना को जोड़ेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व वो विराट बनेगा। और अगर, क्योंकि प्रेम का जो संबंध है वो बड़ा विचित्र संबंध होता है। कैसा संबंध होता है कि प्रेम जो है वो व्यक्ति को परिवर्तित करता है, और जिससे आप प्रेम कर रहे हैं आप में भी वैसे गुण आते जाएंगे और उस व्यक्ति, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोसेस होती है। अगर आप शुद्र से प्रेम करेंगे तो आपके अंदर भी शुद्रता आएगी, और आप विराट से प्रेम करेंगे तो वैसे गुण आप में विकसित होंगे। अब व्यक्ति इतना यांत्रिक हो रहा है कि उसने अपनी चेतना को यंत्रों में लगा दिया है। विराट है, अपनी चेतना को यंत्रों की उपासना में लगा दिया है, तो स्वाभाविक रूप से अब इतनी विराट चेतना को जब आप यंत्रों की उपासना में लगाएंगे या यंत्रों के प्रति अपने आकर्षण में लगाएंगे तो आपका जो प्रेम है वो क्षुद्र में पड़ गया। इसलिए व्यक्ति भी एक यांत्रिक होता चला जा रहा है। व्यक्ति में भी वो संवेदनाएं, वो मानवता, वो एक दिव्यता, उसका एक अभाव दिखता जा रहा है, क्योंकि विराट को उसने संकुचित में झोंक दिया है। और संभावना तो उसमें है कि वो और ज्यादा अपने स्वरूप को विराट बनाए, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो भगवद गीता के संदर्भ में जब हम ये बात देखते हैं तो इस रूप में ये सारी मानवता को क्षुद्रता से हटा करके उत्कृष्टता की ओर ले जाने की बात करती है। जीवन के संघर्षों में
अपनी आत्म तत्व को व्यक्ति नष्ट न कर ले उसकी बात करती है। स्वधर्म के पालन में व्यक्ति अपने आत्म को समाप्त न कर ले उसकी बात करती है। अंततोगत्वा भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सारी की सारी मानवता को ये बताती है कि वो किस तरीके से अपने परिवार का धर्म निभाते हुए, समाज का धर्म निभाते हुए, राष्ट्र और विश्व का धर्म निभाते हुए आत्मबोध को बना करके रखे, अपने जीवन के संघर्ष में अपने आसपास जो संघर्ष चल रहे हैं उन संघर्षों में अपने जो स्वबोध है उसको किस तरीके से वो बचा कर रख सकता है, इस तरीके की दृष्टि भगवद गीता देती है। और यही उस भगवद गीता का आदेश है, उपदेश है और संदेश है कि व्यक्ति विराट है और विराटता का बोध उसके अंदर हो। डॉक्टर मिश्रा, आपका ये सुंदर व्याख्यान के लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद। और जो महत्वपूर्ण विषय आपने भगवद गीता को बताते हुए उठाए हैं, हम आशा करते हैं उन विषयों के ऊपर आपसे और डिटेल में भविष्य में बात करेंगे। अभी फिर से आपके समय के लिए, ज्ञान के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निश्चित रूप से आगे हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सुंदर विषय पे आपने चर्चा की। बहुत बहुत